हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है मैं लाइव चला गया। मैं इस वक्त हूँ लाइव, और लाइव आने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब भी आ जाएं और आप लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन फिर वो इतनी थकावट, फिर मसरूफियत ऐसी थी कि कंटिन्यूसली आप लोगों को जवाब देना, मीटिंग्स और फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड्स, तो ये बहुत कुछ था। लेकिन कैसे हैं आप लोग सर? अदनान समी, आई एम गुड माशाल्लाह से। कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हलीमा अक्सा, प्लीज़ से माय नेम, ओके? और फजीला, थैंक यू फजीला। और नूर फातिमा भी आई हैं, तमाशा एडिट्स फातिमा। और अच्छा ये बताएं, कैसा लग रहा है आप लोग तमाशा? आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा है भी तमाशा। और देखा जाए तो बहुत कुछ है उसमें, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और सिखाने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखने से मुराद के आप अच्छी बातें भी सीख सकते हैं और आप बुरी बातें भी सीख सकते हैं, अप टू यू कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं अच्छे अच्छी चीज़ें सीखूँ और सिखाऊँ। देखिए, लड़ना सबको आता है, हर कोई लड़ सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको लड़ना चाहिए वहाँ पे आप लड़ें, और जहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए वहाँ पे नहीं लड़ो। तो वो कहते हैं ना, बेगाने की शादी में दूल्हा दीवाना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ वो ये कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ पहले उनका भी शुक्रिया अदा कर दिया जाए, और उसके लिए मेरी जो टीम थी उन्होंने प्रॉपरली मुझे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि प्लीज़ आप एक दफ़ा लाइव जाएँ दोबारा से और उन लोगों का नाम लें जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। तो प्लीज़ मैं उनका नाम लाजमी लूँगा और लाजमी लेना चाहता हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है अमना MBA है, और खैफा थैंक यू, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं ब्यूटी वन लाइन फॉर हमना अच्छी कंटेस्टेंट है, खेल रही हैं अच्छा वो माशाल्लाह। और कैफा मुनव्वर यू आर, और फूड्स रेजी थैंक यू, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान। और क्या नाम है उसका, स्पार्किंग सो, और जिशान से देखी थैंक यू, जुनेद लवर, हारे जुनेद भाई से माई नेम, आपका नाम लिया गॉसिप गर्ल, और हरीशा, ओके। सो आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और हेल्प करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ मैं उनका नाम लूँ, है ना? मैं मायरा सुल्तान, सॉरी उसके बाद गजाला हाशमी थैंक यू, इनोसेंट गर्ल उमैमा, रियल उमैमा थैंक यू, रियल उमैमा। उसके बाद है अब्दुल कुद्दूस थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद है किन्जा, और किन्जा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है सबूत चौधरी, उसके बाद है MLFQN, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, और हमेशा आप लोगों ने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में समझा, सीखा और मुझे समझाने की बहुत बहुत कोशिश की कि जिन्हें इस तरह से नहीं। उसके बाद है इट्स सोनी यानी सवेरा कुरैशी 77 थैंक यू सवेरा, फ़्रियाल आसिफ, उसके बाद है PTI टाइगर्स, उसके बाद है फिज़ा थैंक यू PTI टाइगर्स, थैंक यू फिज़ा, कादिर राजपूत थैंक यू भाई, माही जोगा, उसके बाद है लव ऑफ क्लाउड्स, और उसके बाद है रिट्स थैंक यू, उसके बाद है ये है मरहम कुरैशी वो है, खदीजा फातिमा, उसके बाद इर्ज़ा थैंक यू खदीजा, थैंक यू मरहम, हानिया थैंक यू, मुंतहा बलोच थैंक यू, ड्रीमर्स इट्स मी सैयदा 72 थैंक यू, और मुंतहा बलोच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एग्जॉटिक वजिया थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और भी है। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके नाम लेते हुए, सोचें मतलब मुझे वाकई बहुत खुशी है कि इतने सारे सपोर्टर्स माशाल्लाह। उसके बाद ये है इर्शा इमानी, इर्शा आई थिंक थैंक यू इर्शा, आमना चौधरी, और उसके बाद इफ्तिखार मरियम खान, उसके बाद है हुदा, उसके बाद है माइक अफ्तान किंग, बुशरा, आयशा खान, असना इमाम, आलम ए जेक, आलम जैक JEK, कुकी एक्स एडिट थैंक यू सो मच, आई एम ब्यूटी 9639, उसके बाद है रीडिंग रीम, उसके बाद है मोहम्मद इजाज, उसके बाद है रुबाब राजपूत, नयाब बलोच, सैफ अली, ईमान खान, शाहजी, जुनेद अख्तर फैन, अदन, हारिस अली, उसके बाद है रोजी एडिट, और उसके बाद है डीसी फैन गर्ल जुनेद जुनी थैंक यू, उसके बाद है तितली, और तितली का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और इतनी सारी चीज़ों को समझा। देखिए, इंसान जब घर के अंदर होता है तो क्या है आईफोन और आईफोन
अच्छा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप उस तमाशा घर में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। आपको हर कोई, आपको ऐसा लगता है, आपके घर कोई हंस के भी देखे तो आपको लगता है कि यार वो मेरे दोस्त हैं इस तरह के, तो आप वहाँ इतने आइसोलेशन में होते हो और ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं एक इंसान के लिए, जो जिसके हाथ में सेल फोन है, जिसके पास दुनिया की सारी खबरें हैं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब बात आती है आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हो जो सब चारों तरफ से पैक हो और फिर आपको कुछ भी ना समझ में आए कि आपको करना क्या है, तो उस वक्त आपका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल मॉफ हो जाता है। तो आई होप कि मेरी किसी बात से किसी की दिलाजारी नहीं हुई हो और किसी को कुछ बुरा नहीं लगा हो और अच्छा लगा हो सबको। अच्छा, आपका न्यू ड्रामा देखा, ओके, थैंक यू सो मच न्यू ड्रामा देखने का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अनम को डिसरिस्पेक्ट किया, शी इज़ सो, नहीं देखिए, अनम को मैंने डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, वो एक हमारा आर्ग्यूमेंट किसी और चीज़ पे था, वो एक गीला स्वीटर मुझे इस्तेरी करी थी और हमें मुझे तैयार होना था, बल्कि सबको तैयार होना था, मुझे भी तैयार होना था, टाइम बहुत कम रह गया था क्योंकि आप लोगों ने शायद अनकट में और एडिट्स में देखा नहीं होगा, तो उसका मुँह से वो दिखाया जो कि हमारी लड़ाई थी, आप शायद अनकट में देखे तो वी आर फ्रेंड्स, लाइक मैं उसके बाद हमारी अच्छी बातचीत सब कुछ सही रहे, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था जिसमें उसने भी शी स्टार्ट आर्ग्यूमेंट विद मी और फिर मेरा भी इसके साथ हुआ, तो वो गीला स्वीटर पर उसने करी थी। मैंने बोला भाई कितना टाइम लगेगा तुम्हें यार, तो उसने कहा अभी टाइम है और ये वो, तो उससे फिर मैंने उसने दूसरी, अच्छा दूसरी जो आयरन था वो हमें नहीं मिल रहा था, उसका एक इशू था, वो ना मुझे पता था उससे पता था, वो समझ रही मेरे पास है, मैं समझ रहा हूँ उसके पास है, तो ऐसा कोई नहीं था, शी इज़ माई फ्रेंड और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता किसी भी खातून की नहीं करता। अच्छा, थैंक यू अली, थैंक यू, आपने इतना कह दिया। देखिए खेल में हार और जीत दोनों होती है और खेल का यही एक तमाशा का यही एक सिनेरियो है कि आपको हार और जीत दोनों की तरफ चलना है, लेकिन अच्छे तरीके से खेलना, इज्जत के साथ खेलना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अच्छे से खेलें, इज्जत के साथ खेलें, दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी। तो मैंने जितने दिन भी रहा, जितने दिन भी कोशिश की रहने की, मैं तो पता है आपको सोच कर गया था कि मैं एक हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं पाऊँगा, लाइक मेरा यही था, लेकिन जब मैं वहाँ पर रहा और जब मेरी चीज़ें वहाँ पर, तो मुझे अच्छा भी लगने लगा, गेम भी अच्छी लगने लगी, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन शुरू हो गया। अब निकलने का भी मुझे है और मुझे नहीं भी है, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद अपनी फैमिली से मिला, लोगों से मिला, फिर बाहर आके इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत मिली, शोहरत मिली, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए होता है कि देखिए मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव, जैसे मैं हूँ वैसे ही अंदर रहा, मैंने अपने आप को कोई किसी इस तरह से किसी चीज़ में नहीं डाला जिसमें लोग मुझे कहें कि जुनीद तुम गलत कर रहे हो या जुनीद तुम्हारे गलत मौजू पर बात कर रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये था, उसके बाद आप बहुत अच्छा खेले, ओके, इकबाल सवेरा, यू डिड सो वेल जुनेद भाई, आयशा नदीम हेलो, उसके बाद है मुंतहा बलोच, इट्स इट्स मुंतहा, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जुनेद ऑब्सेस्ड और जुनेद फॉर एवर को भी थैंक यू बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सराहा, इतना प्यार दिया, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद है पाकिस्तानी ड्रामा, प्लीज टेक माय नेम, ओके, लव फ्रॉम जर्मनी, थैंक यू ऑन, आई थिंक इट्स शहबाज, यप शहबाज भाई थैंक यू। अच्छा उसके बाद है सज्जाद हुसैन, लव यू जुनेद भाई थैंक यू। तो अच्छा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया भी कहा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए लाइफ का पार्ट जो होता है वो हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इंसान सिर्फ अच्छा रहे यही इंसान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही था कि मैं हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव रहूँ और अच्छा एक पैगाम देकर जाऊँ। तमाशा सीज़न 3 के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पैगाम यही था मेरा कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान लड़के ही गेम जीते, लोगों के दिल इंसान पॉजिटिव रह के, खामोश रह के, अच्छे से रहकर भी जीत सकता है, जो कि मैंने जीता और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग अंदर अभी खेल रहे हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ें जिनके वो खेल रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से इतना इतना मेरे साथ अटैच रहे। इतने सारे प्यार करने वाले को बना के जा रहा हूँ। अच्छा आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी चीज़ें हों इन 50 दिनों की, जो भी आप लोगों को लगे आप ज़रूर मुझसे पूछें, अपने क्वेश्चंस बनाइए और पूछें और गीत के हवाले से पूछें, डेफिनेटली आई एम हियर फॉर यू। और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आजकल मैं दूसरों के तमाशा से आना थोड़ा फ्री हूँ, तो आप लोगों से, आप लोगों के साथ मैं डेली आधा घंटा निकालना चाहूँगा और आप लोगों के सवाल जवाब ये सारी चीज़ों मैं करना चाहूँगा। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आंसर हों प्लीज़ लेट मी नो और मैं कोशिश करूँगा मैं अच्छे से बयान कर पाऊँ, अच्छे से जवाब दे पाऊँ। और आप लोग क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन उससे करें, मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं उस क्वेश्चन को निकलवा लूँगा और फिर आप लोग को जवाब दे दिया करूँगा। तो आई थिंक इससे बेटर कि आप लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हो गया और मैं चाहता हूँ ये इंटरेक्शन और ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहें। और बस अभी मैं कुछ देर बाद ऑफलाइन हो जाऊँगा, जो बात भी आपको मीडिया अगर बुरी लगी हो तो हमसे सॉरी। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हमेशा 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 खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ फैलाएँ। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ज़िंदगी में
हर चीज़ आसान नहीं है, ठीक है, उसे आसान करना पड़ता है। तो बस मेरी कोशिश यही है और अब मैं चलता हूँ और बस और ओके बस उसके अलावा आज का मैंने कल का गेम देखा वजारत का, वकील ने वो वजारत जीती है माशाल्लाह से और अकेले सच पर्सन बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। उसकी गेम देखा था, अमेजिंग गेम, अमेजिंग उसकी जो एक चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं ये कह रहा था कि यार जो भी जीते जो भी खेले अच्छा चलाए अपने आप को। और मुझे अफसोस बात में वजीर नहीं बना, अगर मैं वजीर बनता डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा करता, लेकिन मुझे अफसोस इस बात में वजीर नहीं बना और कुछ चीज़ें जो थी अंदर थी वो भी थी। तो ये एक बड़ा एक इशू होता आपको बताऊँ, एक रियलिटी शो में, एक इस तरह के शो में जिसको आप समझते हैं कि यार बहुत अच्छा है बहुत चीज़ें चल रही हैं साथ में, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार मैं शायद बोलूँ, फिर आपको लगता है सामने वाला गलत है, तो गलत है कौन, तो वो वाली बात है। लेकिन बस एक चीज़ जो मुझे लगी अब जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो यही है कि आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया। और बस ये था और थैंक यू वंस अगेन सो मच। और अच्छा दूसरी बात है कि जिसका मैंने नाम नहीं ले सका नहीं लिया उसको मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैसेज और उनका नाम ले लूँगा। और जिनको भी लगता है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दें मुझे, मैं उनका नाम लेकर बहुत सारी शिकायतें भी आएगी मेरे पास ही, मेरा नाम नहीं लिया अभी तो मैं खैर जा रहा हूँ, लेकिन जिनका भी नाम मैंने नहीं लिया लेट मी नो, मैं उनका नाम लाजमी लूँगा और उनसे मैं मुखातिब होऊंगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो जिस तरह के सवाल हो आप मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग करें, और ये नहीं भूलिएगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी बात हो प्लीज़ आस्क मी। और बस अब अच्छा मुझे नाम का जरूर बताएगा किसका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अभी भी शिकायतें मौसम थी कि मेरा नाम नहीं लिया वो मैं देखा, प्लीज़ मुझे बताएं। और वंस अगेन अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, माँ बाप की इंपॉर्टेंस को समझें और इसको लोगों को समझाएं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने इतना टाइम निकाला मुझे देखने के लिए, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और तमाशा घर के जुनेद को शहजादे को देखते रहें और इसी तरह से मुझे चाहते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड नाउ